मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 में देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं। हम सभी का सौभाग्य है आज की इस भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना समय निकाल के हम सभी को संबोधित करने के लिए आज यहां पधारे हुए हैं। देश की नई पीढ़ी के अंदर नवाचार, इनोवेशन, आगे उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, समस्या की आधार पे खोज, अनुसंधान, इसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री सदैव आग्रही रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में पिछले 5 साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथन की ये 5th एडिशन है। पिछले दिनों में 29,000 प्रॉब्लम्स पेपर में 2,00,000 विद्यार्थियों की आवेदन के ऊपर आज प्रत्यक्ष सुबह से 2,000 टोली में 75 स्थानों में 15,000 विद्यार्थी, जिसमें पहली बार एक स्कूल सेक्शन भी शुरू किया गया है। ऐसे एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए लगभग 476 विषयों में भारत की व्यवस्था में सरकार की 53 विभाग में 53 विभाग में से 476 विषयों पे देश की नई पीढ़ी प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे ये अपना विचार, अपने इनोवेशन की काम पे जुड़ी है। मित्रों, देश जब आजादी की 75 साल पूरा करके अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, अमृत काल में शायद ये पहला इनोवेटिव तरीके से आउट ऑफ बॉक्स कॉम्पिटेटिव मोड की ये हैकाथन है। मैं सभी को इस हैकाथन पे स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देश भर की चुनिंदे टोलियों के साथ, ग्रुप के साथ, विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मैं एक ही विषय याद कराता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आह्वान किया है। यह तब संभव होगा जब देश की नई पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करेगा। आज आपने स्वीकार किया है, आप सभी को शुभेच्छा, सभी को बधाई। प्रधानमंत्री जी ने देश में कर्तव्य बोध के बारे में सबको आह्वान किया। आपने देश बनाने की कर्तव्य, देश को आत्मनिर्भर बनाने की कर्तव्य आपने जिम्मेवारी उठाई है। हम सभी को पुनः बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। मैं निवेदन करता हूं केरल की विद्यार्थी से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना चर्चा शुरू करें, संवाद शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। केरल की टीम को कौन है, नमस्ते, क्या नाम है? माय नेम इज सन्निधि एंड माय सेल्फ अनुष्का अग्रवाल। अच्छा सन्निधि, आई एम टोल्ड दैट योर टीम इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग एन ऐप फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ आवर एंशियंट टेम्पल्स। This is very interesting and can really help tourists and boost tourism. How is your team doing it? Yes, sir. We are Team 6 Pixels, an all-girls team from RV College of Engineering, Bangalore. Our problem statement is optical character recognition of ancient inscriptions found on temples and its translation into Devanagari script. This problem statement is provided to us by Indian Knowledge System Division and falls under the theme Heritage and Culture. India is a land of vast heritage and culture. Our country is the mother of democracies. We have democratic traditions going back to thousands of years.